हुए भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पर इस हफ्ते हमने देखा था कि आईटी काउंटर्स पे भी आपकी नजर थी। तो कल नैसडैक में जबरदस्त तेजी, आपकी इस हफ्ते की पिक टेकएम भी रही है। क्या कोई आईटी स्टॉक से स्टैंड आउट कर रहा है? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, बिल्कुल सारी दुनिया यही कहती रही आईटी ओवरबॉट है। किसने सोचा निविडिया 17-18% 22% बढ़ के बढ़ेगा। तो शेयर बाजार में नेवर से नेवर, नेवर से के स्टेट बैंक चल नहीं सकता, नेवर से के पीएसयू हाथ नहीं लगाएंगे, नेवर से आईटी को हाथ नहीं लगाएंगे। और मैं नहीं कह रहा ये बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा, तो मैं ये नहीं कह रहा सस्ते शेयर से, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, विप्रो यहां से 750 का भाव इस साल में दिखा देंगे आपको। चौथा है बोफोर्स और पांचवा हमारा टॉप पिक है डिक्सन। डिक्सन 10,000 रुपए जाएगा इस साल में, ईएमएस में इस जैसा प्ले नहीं है। तो आप एक बास्केट बनाइए, हम ये नहीं कह रहे आज चेस करिए, लेकिन धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो इस तरफ भी थोड़ा सा रुझान रखिए। 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो मस्ट बी इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट हाइक्स हैव नॉट डिटर्ड आईटी स्पेंडिंग एंड आईटी बजट्स। और वो जो अगर निविडिया दिखा रहा है कि टेक स्पेंडिंग एंड द वे दे आर प्लेइंग आउट ऑन एआई, मेरे को तो लगता है ये शुरुआत है। और इंडिया में सबसे बढ़िया प्ले ईएमएस है, डिक्सन इज अ मस्ट हैव। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पांचों शेयर पोर्टफोलियो में।